Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 15 of Web Development with JSP and MySQL. Today we will discuss in HTML language how to view, frame, and display videos and images in HTML. किस तरह से आप अपनी यानी कि ब्राउज़र के ऊपर अपनी वीडियोस डिस्प्ले करेंगे या वीडियोस को डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे कि यूट्यूब में है, और उसके साथ आप अपने आई यानी कि जो आपका यानी कि ब्राउज़र है उसकी बॉडी एरिया को जो है आपने डिवाइड करना है या उसको आपने फ्रेमिंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे आप, और इमेज किस तरह डिस्प्ले करेंगे, ये हम देखते हैं आज इस कैप्चर में। तो आज एक छोटी सी वेबसाइट भी बन जाएगी इसी तरह से, और इसमें वीडियोस भी होंगी और इसमें हम फ्रेम को भी यूज़ करके दिखाएंगे। तो तीन टैग होंगे, आई फ्रेम, वीडियो और आईएमजी का टैग। आईएमजी का टैग वैसे ही आप यूज़ कर चुके हैं, और इसको हम आज एक और अंदाज से देखेंगे ज़रा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं किस तरह से एचटीएमएल के अंदर ये इनको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो आप वीएस कोड पे आ जाइए। और ब्राउज़र के ऊपर जी, तो सबसे पहला काम ये कीजिए आप कि हम एक काम करते हैं कि एक नई वेबसाइट के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम पहले, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। तो फाइल पे जाइए, एक ओपन फोल्डर, सबसे पहले आप फाइल एक्सप्लोर पे जाइए, और जाने के बाद आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर लें। सबसे पहले किसी भी ड्राइव के अंदर, ड्राइव सी हो या ड्राइव डी हो, तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करें यहाँ पर और न्यू फोल्डर, और इसका नाम दे देता हूँ मैं माई वेब साइट डॉट कॉम। ठीक है, माई वेब साइट डॉट कॉम। ठीक है, इसको मैंने फोल्डर को मैंने क्या किया है यानी कि क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आप वीएस कोड में जाइए। और वीएस कोड के अंदर आप ओपन फोल्डर कर लीजिए आप। ठीक है, और जो नाम रखा था आपने माय वेबसाइट, उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लें, माई वेबसाइट डॉट कॉम, इसको क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। तो अब आपके सामने जो है आपका फोल्डर आ गया है जिसमें आपने काम करना है, माई वेबसाइट डॉट कॉम। इसके अंदर भी कोई फोल्डर बना हुआ नहीं है, अब क्लियर है। अब इसमें करना क्या है, तो ब्राउजर पे जाएं सबसे पहले डॉट कॉम, इसके अंदर जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है वेब डेवलपमेंट विद जेएसपी। इसमें जब क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6 इन ए फ्रेमिंग एंड वीडियो इन एचटीएमएल। ठीक है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको आप क्लिक कर लीजिए आप। तो इसमें जब देखिएगा आप कि इसमें जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है फ्रेमिंग एंड वीडियोज। तो फ्रेमिंग के अंदर का कॉन्सेप्ट ये है, इसमें एक टैग होता है आई फ्रेम, और आई फ्रेम का कॉन्सेप्ट ये है कि अपने जो बॉडी एरिया होता है उसको आपने क्या करना है, एक एक हिस्सा, एक पोर्शन जो है आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। तो वो हम किससे करते हैं, वो आई फ्रेम से करते हैं। तो इस आई फ्रेम के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो कौन कौन से हैं, एक है src यानी सोर्स, कौन सी फाइल आपने उस एरिया में ओपन करनी है, उसकी उस एरिया का की हाइट क्या होगी, विड्थ कितनी होगी, वो
उसका जो नाम है वो क्या रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका नाम, कि आप उसका नाम रखेंगे तो जितनी भी और जो अलग कंटेंट्स हैं या पेज हैं जो ओपन होंगे वो किस एरिया में होंगे, वो उसी एरिया के अंदर होंगे, तो उसको हम रखेंगे डिटेल एरियाज का नाम रखा हमने, ठीक है। और ये फ्रेम बॉर्डर है 9, इस तरह से हम ये आई फ्रेम का टैग इस्तेमाल करते हैं। तो चलें इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो जनाब सबसे पहला काम ये कीजिए कि एक फाइल बना लीजिए यहाँ पर आप, और इस फाइल का नाम रख लेते हैं हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और इसमें जैसे कि आप जानते हैं जब भी आपने एच टी एम एल का जो स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग का लिखना होता है, तो आप शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन साइन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से जो पहला ऑप्शन है एक्सक्लेमेशन साइन का, इसको क्लिक करेंगे तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे जनाब हम करते क्या है, सबसे टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं माई वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद बॉडी में आइए, बॉडी के अंदर लिख देते हैं हम सिंपल H1, दिस इज मेन पेज है, मेन पेज कह लीजिए, होम पेज कह लीजिए, आपका ये आपका मेन पेज है, ठीक है। तो हम लाइन बाय लाइन देखते जाते हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट करते जाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इस फाइल को सेव किया हुआ आपने, ब्राउज़र पे जाइए और ब्राउज़र के ऊपर आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पर आपने लिखना है यहाँ पर C:, माई वेबसाइट डॉट कॉम, और फाइल का नाम था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एंटर कीजिए। तो आपके सामने देखेंगे पेज बना हुआ आ गया, दिस इज माई पे माई दिस इज मेन पेज, ठीक है। अब इसके अंदर करना क्या है, आपने फ्रेम बनाना है आपने। अच्छा, फ्रेम किस तरह से बनाएंगे हम, इसको भी समझ लीजिए आप, कि जब हम फ्रेम बनाएंगे तो फ्रेम को बनाने से पहले हम ये काम ये करते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट नेम है उसके अंदर कुछ फोल्डर बनाएंगे हम। जैसे कि इमेजेस का एक फोल्डर होगा, इसके अंदर क्या होंगे, Picture 1 Picture 2, इस तरह से हम रख लेंगे हम। इसी तरह से एक और फोल्डर हम बनाएंगे, उसका नाम होगा HTML फाइल्स, उसके अंदर हम स्लाइडर डॉट HTML और अबाउट डॉट HTML और सर्विस डॉट HTML की फाइल हम रख लेंगे, और इंडेक्स फाइल जो है वो कहाँ है, बाहर, ठीक है। इस तरह से हम काम करेंगे ताकि एक वेबसाइट ही बनती चली जाए और आपको समझ में आ जाए, यानी कि जो वेबसाइट का जो डाटा स्ट्रक्चर है वो भी आप देख रहे हैं, इससे पहले भी देख चुके हैं आप, तो मैं इसको दोबारा से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम करते हैं, तो जनाब तो जनाब एक फाइल और बना लेते हैं हम, पहले फोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि फोल्डर्स को यूज़ करने में आसानी हो। तो यहाँ पर जनाब एक नया फोल्डर क्रिएट कीजिए, यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट कीजिएगा, इसमें नाम रख दीजिएगा इमेजेस, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी तरह से एक फोल्डर और क्रिएट कर लें यहाँ पर आप, और उसका नाम दीजिए आप HTML फाइल्स, ठीक है। ये HTML फाइल्स का फोल्डर हो गया और इमेजेस का फोल्डर हो गया। अब HTML फाइल्स के अंदर हम एक काम ये करते हैं कि एक फाइल बना लेते हैं हम नई, और इस HTML फाइल्स के अंदर याद रखिएगा यहाँ पर हमने काम करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम जस्ट लाइक स्लाइडर, स्लाइडर डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो ये आपका स्लाइडर डॉट एच टी एम एल की फाइल्स हो गई, फोल्डर हो गया, इसमें फाइल बना रहे हैं, और इस फाइल के अंदर भी हमने वही नया काम करेंगे, जिस लाइक शिफ्ट के साथ इसमें साइन प्रेस कीजिएगा, और फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें साइन पे क्लिक कर लीजिएगा, ये आपके पास आ गया स्ट्रक्चर, इसमें लिख दीजिए आप स्लाइडर, और इसमें आप स्लाइडर बनाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि सिंपल एक मैं मार्क्यू का टैग यूज़ कर रहा हूँ, और मार्क्यू के टैग के अंदर यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस हमने क्या किया IMG, और इसका जो एट्रीब्यूट है सोर्स के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं कि इमेजेस में जाओ,
और इमेजेस में एक फाइल होगी पिक्चर वन डॉट जेपीजी। ठीक है, इस फाइल को आप ने सेट कर लिया और इसके विद आपने सेट कर ली है अपना विद हम यहाँ कितनी रख लेते हैं 600 विद 600 और हाइट 400। तो इसी तरह रख लीजिएगा आप विद 600 और हाइट 400। ठीक है, तो ये एक इमेज आपने इस तरह डिसाइड कर लिया। इस तरह से आप दूसरा इमेज भी डिसाइड कर लीजिए आप। ठीक है, इसी तरह से आप तीसरा इमेज भी ले लीजिए। तो इनके नाम चेंज कर लें, सिंपल पिक्चर वन की जगह पे पिक्चर टू कर लीजिएगा आप और पिक्चर थ्री कर लीजिए। ठीक है, ये तीन पिक्चर्स हो गए और ये मार्कर पे टैग करना आपने लिख दिया है और इस फाइल का नाम क्या है स्लाइडर और ये फाइल कहाँ पर है एचटीएमएल फाइल्स के अंदर। ठीक है, आपने ये काम कर लिया। अब करना क्या है, अब करना ये है इसको जो है आपने अब यहाँ जो इमेज पिक्चर वन पिक्चर टू पिक्चर थ्री है ये फाइल अब यहाँ मौजूद नहीं है इमेजेस के अंदर, तो आप ऐसा करेंगे इमेजेस में कॉपी कर लें। तो कैसे कॉपी करेंगे आप, मेरे पास कुछ फाइल पड़ी नहीं यहाँ पर, मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि एक पिक्चर ये है, फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर ये लेता हूँ मैं और एक पिक्चर ये हो गई और दूसरी पिक्चर वन पिक्चर ये और पिक्चर टू। ये दूसरी पिक्चर ले लेते हैं और इसी वजह से एक पिक्चर और ले लेता हूँ मैं, तीन। ये तीन पिक्चर मैंने यहाँ पे लिए हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इन तीनों पिक्चर्स को उसी फोल्डर्स के अंदर यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। किसमें, इमेजेस के अंदर। इमेजेस पे क्लिक कीजिएगा और उसमें आप पेस्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर आपका जो फोल्डर था माय वेबसाइट और इसके इमेजेस के अंदर, इमेजेस के फोल्डर में यहाँ पेस्ट कर लें। तो ये पिक्चर आ गए, इनके नाम आप चेंज कर लीजिए ताकि आपको इजी रहे। पिक्चर वन, ठीक है, पिक्चर टू, और पिक्चर थ्री, इसका नाम चेंज कर लें, पिक्चर थ्री कर लीजिए आप। तो ये तीन पिक्चर्स आपने रख लिए हैं, पिक्चर वन पिक्चर टू पिक्चर थ्री, और जिनके नोट कर लीजिए इनका जो एक्सटेंशन है फाइल का वो क्या है, वो देख लीजिए जेपीजी लिखा हुआ आ रहा है और इसको भी चेक कर लें, इसमें भी लिखा हुआ आ रहा है कि आइटम जो टाइप है जेपीजी है और इसका भी जो आइटम टाइप है वो जेपीजी फाइल है। तो तीनों फाइल का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी है और इनके नाम पिक्चर वन पिक्चर टू पिक्चर थ्री के नाम से रख लिया आपने और ये फाइल इमेजेस में मौजूद है। ठीक है, इमेजेस में पिक्चर में पिक्चर टू पिक्चर थ्री, और अब इसको हम करते क्या, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इस पर किस तरह से रिस्पॉन्स आएगा। तो ये है स्लाइडर फाइल। तो आपने करना क्या है, जो आपकी मेन फाइल थी इंडेक्स फाइल, ठीक है, इंडेक्स फाइल, इसके अंदर क्या करें आप यूज करेंगे आई फ्रेम का ऑप्शन, आई फ्रेम। ठीक है, आई फ्रेम और एस आर सी सोर्स में आप दे देंगे जनाब के आप जाएं इमेजेस में जाएं वहां से और इमेजेस के अंदर फाइल पड़ी हुई हमारी कौन सी, सॉरी इमेजेस नहीं, आपकी फाइल पड़ी हुई इसके अंदर एचटीएमएल फाइल्स के अंदर, एचटीएमएल फाइल्स के अंदर जाएं और वहां पर आपके पास एक फाइल है स्लाइडर की। ठीक है, स्लाइडर डॉट एचटीएमएल की फाइल्स,
और इसकी विथ और हाइट भी सेट कर लीजिए आप। आपने कहा विथ इसकी रख लेते हैं हम 600 या 1000 कर लीजिए, और हाइट रख लीजिए आप 400। ठीक है, और फ्रेम बॉर्डर देना चाहें ओके, फ्रेम बॉर्डर का भी छोड़ दीजिए। अभी सिंपल इसका नाम रख लेते हैं, नेम इक्वल टू डिटेल्ड एरिया। ठीक है, और इसको क्लोज कर लेते हैं अपन। ये आपका आई फ्रेम का एरिया बन गया। इसमें याद रखिए एक फाइल एग्जीक्यूट होगी, कौन सी, स्लाइडर डॉट एच टी एम एल की फाइल, जो कि कहाँ पड़ी हुई है, एच टी एम एल फाइल्स के अंदर पड़ी हुई है। एच टी एम एल फाइल्स की स्पेलिंग सही लिखीजिएगा, एच टी एम एल फाइल्स का फोल्डर है, इसके अंदर फाइल पड़ी हुई है एच टी एम एल। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एच टी एम एल फाइल्स, इसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई है स्लाइडर डॉट एच टी एम एल पे। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम, और ये जो हमने कोड लिखा है ये कहाँ लिखा है, हमने इंडेक्स में लिखा है। देखिए ठीक है, इसको सेव कीजिए और प्रोग्राम को चला के देखते हैं इंडेक्स पेज को। ये आपका इंडेक्स पेज था, एंटर कीजिए। जैसे एंटर करेंगे आप, तो आप देखें कि आपके सामने जो है दिस इज मेन पेज लिखा हुआ गया और आई फ्रेम बना हुआ गया। देखिए आई फ्रेम के अंदर जो स्लाइडर की फाइल है वो यहाँ पर अभी रन नहीं होती, तो उसकी वजह क्या है, इसको जो चेक कर लेते हैं। तो चूँकि स्लाइडर की फाइल जो है ये इसके अंदर है, एस्टिमेट फाइल्स के अंदर है, और वहाँ से जब स्लाइडर में जब जाएंगे तो स्लाइडर में क्या लिखा हुआ है जनाब, इमेजेस में जाओ, तो इमेजेस का ऑप्शन चूँकि ये फाइल चल रही है स्लाइडर की एस्टिमेट फाइल से, तो उसको एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, एक दफ़ा लिखेंगे आप डॉट डॉट स्लैश ताकि एक स्टेप पीछे आए, और पीछे आने के बाद जो है वो इमेजेस के फोल्डर्स में जाकर इस प्रोग्राम को यानी कि फाइल को एग्जीक्यूट करना, तो डॉटेड स्लैश लगा लीजिएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और प्रोग्राम को दोबारा से चला के देखता हूँ। याद देखिए ये चेंजिंग मैंने किस में की है, स्लाइडर में की है। तो अब आप ये जो पेज आप रन कर रहे हैं कौन सा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आप इंडेक्स की फाइल को, इसको रिफ्रेश कीजिए। तो देखें ये आपके पास स्लाइडर जो है वो इस आई फ्रेम के अंदर एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। अच्छा, इसके साइज़ को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए आप आई फ्रेम के साइज़ को। आई फ्रेम का साइज़ किस में था, ये था आपके पास इंडेक्स फाइल के अंदर। इंडेक्स फाइल के अंदर जाइएगा और इसकी हाइट जो है विथ जो है वो 1000 की जगह पे आप शो कर लीजिएगा 1400 कर लीजिए, और उसको देखें इसकी विथ कितनी आ रही है। या आप अपने स्क्रीन की रेजोल्यूशन के मुताबिक सेट कर सकते हैं, रन कीजिएगा। बल्कि एक और तरीका भी है कि आप इसको पिक्सल्स के फॉर्म में ना दें, बल्कि आप कह दें 100% कर दें, यानी कि जितना भी आपका जो विद एरिया है, जितनी भी आपके ब्राउज़र का जो एरिया है, जो रेजोल्यूशन है, उसके हिसाब मुताबिक 100% की विद को सेट कर लीजिए। सेव कीजिए, दोबारा से उसको रन कीजिए, तो देखें इसका रिस्पॉन्स इस तरह से आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये आपका एक प्रोसेस एक स्लाइडर बन गया है। किसके अंदर, इंडेक्स फाइल के अंदर, जो आपकी मेन इंडेक्स फाइल है उसके आपने एक पोर्शन बना लिया आई फ्रेम की मदद से, और यहाँ पर जो है आपका स्लाइडर एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये काम भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह से अब हम देखते हैं किस तरह से वीडियोस को रन करते हैं, या वीडियोस को कैसे रन किया जाता है। तो जनाब इस आई फ्रेम के अंदर नीचे जो है आप यहाँ पर आप कोई भी वीडियो आप रन करना चाहते हैं, किस तरह रन करेंगे, तो सबसे पहला काम ये करें आप कि एक वीडियो जो है वो आप एक वीडियोस का फोल्डर बनाइए यहाँ पर आप। ठीक है, यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिए वीडियोस का। ठीक है, और इस वीडियोस के फोल्डर्स में चंद वीडियोस कॉपी कर लीजिए। मेरे पास कुछ वीडियोस हैं पड़ी हुई, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। आपके पास भी अगर वीडियोस हों, हाँ कोशिश कीजिएगा जो वीडियोस हों वो MP4 फॉर्मेट की हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये कुछ वीडियोस मेरे पास, वीडियो 1 है, वीडियो 2 है, वीडियो 3, 4 है, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और जो मेरी वेबसाइट है जो मैं बना रहा हूँ, mywebsite.com, इसमें इसको पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियोस का फोल्डर है, इसमें आप कॉपी कर लीजिए Ctrl B से, तो ये वीडियोस यहाँ पे आ गई।
अब इन वीडियोस को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे आप? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब आप आपकी जो आपका जो मेन पेज है यानी कि इंडेक्स पेज, इसके अंदर आपने वीडियोस ऐड करनी है। तो याद रखिए, वीडियो ऐड करने का तरीका क्या होगा, यहाँ देख लीजिए मेरी वेबसाइट के ऊपर। कि ये तो आपने सिंपल एक काम कर लिया, अब आइए वीडियोस की बात कर लेते हैं। तो वीडियोस के अंदर जब भी आप यानी कि यूज़ करोगे, तो वीडियोस का जो टैग है वो है इस तरह से, वीडियो लिखेंगे आप, उसकी विड्थ देंगे आप, उसकी हाइट डिफाइन करेंगे, कंट्रोल जो उसके ऑप्शन होते हैं प्ले फॉरवर्ड और बैक, वो आप इनके कंट्रोल्स को आप चाहते हैं तो कंट्रोल्स यहाँ लिख दीजिएगा, नहीं चाहते तो उसको हटा दीजिएगा, उसको इस ऑप्शन को यूज़ मत कीजिएगा एट्रीब्यूट्स को। और सोर्स के अंदर जिस वीडियो को आपने एग्जीक्यूट करना है उस वीडियो का फोल्डर दे दीजिएगा और उस मैंने के वीडियो का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। और उसके टाइप जो है वो डिसाइड कर लीजिएगा, उसके टाइप कौन सी वीडियो MP4 है या OGG है या जो भी है, बेहतर है कि MP4 ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये वीडियो का टैग है जो इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, वीडियोज़ के लिए। तो मैं करता क्या हूँ कि इस पूरे ऑप्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इसको लिख के देखते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए कि किस तरह लिखेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले है वीडियो, वीडियो का टैग और वीडियो की विड्थ है, टू हंड्रेड या हंड्रेड कर लीजिए आप, और हाइट कर लीजिए आप 200, ठीक है। तो ये वीडियो का टैग इस तरह से हो गया। और इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है सोर्स का ऑप्शन, और सोर्स के अंदर आप SRC देंगे आप, और कहाँ पर है वो याद रखिएगा, वीडियोस के फोल्डर्स के अंदर, और वीडियोस के अंदर वीडियो होगी VIDEO वीडियो 1.MP4, ठीक है। और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि उसकी टाइप कौन सी है, और टाइप डिफाइन कर देंगे कि जनाब वो वीडियो है MP4। तो इस तरह से आप ये इन्हें इस तरह से लिखेंगे आप, ठीक है, ठीक है। देख लीजिए आपने ऐसे ही लिखा है आपने, तो सोर्स आपने दिए वीडियोस वीडियो 1 MP4 और वीडियो MP4, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से रन करते हैं, इसको चला के देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं फाइल को। ये कहाँ लिखा है मैंने, ये इंडेक्स फाइल के मेन फ्रेम आई फ्रेम के बाहर लिखा हुआ, सेव कर लीजिए, इसको एग्जीक्यूट कीजिए। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ पर टॉप पे देखिएगा, यहाँ पर देखें वीडियो बनी हुई आ गई, ठीक है। ये वीडियो का टैग आपके सामने मौजूद है। अच्छा, ये वीडियो अभी यहाँ पर ना इस पर लिंक है ना इसकी रन हो रही है, इसकी वजह क्या है, सिर्फ वीडियो का सिंबल बना हुआ है। इसकी वजह ये है कि अभी आपने इसके ऊपर एक ऑप्शन लगाना था, वो था कंट्रोल्स का ऑप्शन, वो मैंने कंट्रोल का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर था ना विद दी हाइट दी अपने, यहाँ पर एक ऑप्शन है कंट्रोल का ऑप्शन, कंट्रोल्स देंगे तो उस पर कंट्रोल्स यानी कि जैसे वीडियो क्लियर होता है वो बना हुआ आ जाएगा, तो उसके बाद हम उसको प्ले कर सकेंगे। तो जनाब हमें करना क्या है कि यहाँ पर लिखना है हमें कंट्रोल्स, ठीक है, या आपने लिख दिया आपने कंट्रोल्स। अब इस फाइल को सेव कर लीजिए आप, ठीक है। देखें वीडियोस के अंदर जो है ये वीडियोस पड़ी हुई आपके पास, इनको रन करके देखते हैं दोबारा से, उसको रिफ्रेश कीजिए। तो देखें अब आपके पास ये कंट्रोल बने हुए आ गए जो कि पहले नहीं आ रहे थे। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये कार्टून जो है ये जो वीडियो है ये इस पर जो ऑप्शन है इस पर साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि देखने में आसानी हो, तो 50 कर लीजिए इसको आप,
250 कर लीजिए और उसके बाद इसको रन कीजिए दोबारा से। ठीक है, देखें आपके सामने पूरा वीडियोस का फॉर्मेट बना हुआ आ गया है। अब जब इस पर प्ले करेंगे आप, ये वीडियो जो है आपकी चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि वीडियो यहाँ परफॉर्म ना हो, बल्कि ये वीडियो जो है ये इस आई फ्रेम के एरिया में जो है मूव होती नजर आए। ठीक है, तो ये काम कैसे करेंगे आप? क्लियर होगी बात कि आपने वीडियो यहाँ पर रन नहीं करनी, बल्कि इसके इस एरिया में रन करनी है आपने। इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से होगा? तो इसके लिए तरीकेकार ये होगा कि आपने करना ये है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके लिए आप यूज़ करेंगे इस तरह से कि बाकायदा एक वीडियोस के बाद आप बाकायदा एक हैरिफ डिफाइन करेंगे वीडियोस के लिए इस तरह से, यानी कि एक एंकर लिंक यूज़ करेंगे और उसके अंदर इस वीडियो का नाम दे देंगे और उसके टारगेट के अंदर दे देंगे और डिटेल एरिया जहाँ पर आपने वीडियो रन करनी है। ठीक है, तो ये आपने काम करना है। तो किस तरह से करते हैं इसको, इसको भी ज़्यादा देख लेते हैं हम। तो जनाब सबसे पहले जो भी वीडियो बनी नजर आ रही है, इसके नीचे हम करते क्या हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं ब्रेक डी आर और यहाँ पर देते हैं ए हैरिफ और इसके अंदर हम कहते हैं जनाब जो लिंक देना चाहते हैं वो इस तरह से कि वी आई डी ओ उसके वीडियोज़ के फोल्डर में जाओ, वहाँ पर एक फाइल पड़ी हुई वीडियो वन। ठीक है, इसको MP4 है और इसको क्या कहते हैं टारगेट दे देते हैं यहाँ पर हम, कौन सा एरिया? डिटेल एरिया, डिटेल एरिया के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं इसको और इस तरह से हम लिंक इस पर दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं हम कोई भी जो भी नाम देना चाहें वन के नाम से। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे सामने किस तरह से आता है। सेव कीजिए और रन कीजिए इस प्रोग्राम को, रिफ्रेश करेंगे तो देखें आपके पास ये वीडियो तो बनी हुई आ रही है, लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है कार्टून। अब इसमें आप अपने टेक्स्ट को उसको सेंटर कर सकते हैं जिस तरह से चाहें। अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे कार्टून के ऊपर, तो कार्टून का जो एरिया वो किस में कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर ये इस एरिया के अंदर ये वीडियो चलना शुरू हो जाएगी, वहाँ पर नहीं हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया कि किस तरह से वीडियो को हम परफॉर्म करेंगे। इसी तरह से इसको स्टॉप कर लीजिए आप और एक और वीडियो देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और वीडियो दे लीजिए आप। अच्छा, दूसरी वीडियोस का अगर सामने देना चाहते हैं तो कैसे होगा? अब ये वीडियो तो यहाँ पे आएगी, अब दूसरी वीडियो जो कहाँ पे आएगी नोट कीजिएगा, मैं जब इसको इसी को कॉपी कर लेता हूँ कंप्लीट इस पूरे सेंटेंस को, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिएगा और यहाँ पर पेस्ट कर लें आप, ये दूसरी वीडियो भी यहाँ पर आ जाएगी। अब दूसरी वीडियो के अंदर आप से चेंज कर लीजिए, यहाँ वीडियो टू कर लीजिए आप। ठीक है, और दूसरी वीडियो में है क्या देख लेते हैं उसमें है क्या, और यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं वीडियो टू। ठीक है, और इसमें है क्या, इसको जो भी नाम देना चाहते हैं यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल वीडियो टू। ठीक है, तो देखते हैं कि अब होता क्या है। नोट कीजिएगा इसके अंदर भी हमने करना क्या है, इसका लिंक ऊपर देना है, तो यहाँ पर हमने वीडियो टू दे दिया गया और डिजिटल एरिया लिखा हुआ है, सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। रन कीजिएगा, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो अब आपके पास देखें दो वीडियो, एक वीडियो ये है दूसरी वीडियो ये आ रही है। ठीक है, अच्छा कार्टून का मैसेज ऊपर टॉप पे आ जाए और वीडियो से नीचे आ जाए, इसको भी सेट कर लेते हैं। तो जनाब हम करते ये हैं कि ठीक है यहाँ पर एक बी आर लगा देते हैं ऑप्शन। ओके, तो ये इस तरह से सेट कर लिया और इसको इस तरह से सेट कर लिया, सेट करके चला गया देखने बाद से, रिफ्रेश कीजिए, ये देखें दो वीडियोज आ रही हैं, कार्टून वन आ रही है और एक कार्टून टू आ रही है। ठीक है, और अब इसको जब मैं कार्टून वन पे क्लिक करूँगा तो कार्टून वन का जो एरिया यहाँ पे वन पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर रन हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको इस पर वीडियो टू पर रन करूँ क्लिक करूँगा
ये वीडियो टू जो है यहाँ पर आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से आप अपनी वीडियोस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर चाहते हैं कि दूसरी वीडियोस के सामने आए, यहाँ पर यानी कि नीचे आ रही हैं, इस तरह से ना आए बल्कि इसके सामने होनी चाहिए, तो फिर आप इसमें CSS की मदद से भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। अभी हम बहुत सिंपल तरीके से काम करेंगे। आपको याद होगा हम टेबल बना लेते हैं, तो टेबल किस तरह से बनाएंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि ये टेबल आप यूज़ कर लीजिए आप, और टेबल के अंदर जो पहला ऑप्शन है TR का टेबल रॉ, और टेबल रॉ के अंदर पहला TD टेबल डेटा, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेबल डेटा के अंदर इस सारे कोड को, अच्छा दो यानी कि कॉलम लेना चाहते हैं तो दो ले लीजिए आप, ठीक है, ये दो कॉलम, तो दो कॉलम यानी एक रॉ के अंदर दो कॉलम है। तो हमने करना क्या है कि जो पहला ऑप्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑप्शन, इसको कंट्रोल एक्सेप्ट कट कीजिए और कहाँ यूज कर लीजिए, इस TD के अंदर, ठीक है। इसी तरह से दूसरे ऑप्शन को भी यहाँ से कट कीजिए और दूसरे TD के अंदर इसको डिफाइन कर ले, यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। अच्छा मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, जो दूसरी वीडियो थी वो मैंने फर्स्ट TD में दिया हुआ है, और जो दूसरी वीडियो थी वो मैं सेकंड TD में दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो का इस तरह से मैंने कर लिया बार, तो ये दो जो कॉलम्स हैं उसके टेबल के अंदर मैंने लिख लिए हैं। अब देखते हैं इसका एग्जीक्यूट किस तरह से आता है, इसको रन करते हैं, इसका व्यू किस तरह से बनेगा, रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए अब ये दो वीडियो आपके सामने आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। टेबल डेटा ये भी आपने इससे पहले पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास के अंदर मैंने यानी कि पिछली क्लास से भी पिछली क्लास के अंदर मैंने शायद आई थिंक टेबल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, तो वहाँ पे हमने टेबल किस तरह बनाते हैं वो देख चुके हैं। तो जनाब मैंने टेबल के अंदर ये काम किया मैंने, तो अब देखें वीडियो वन टू पे क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो टू यहाँ पे आ रही है आपके पास, कार्टून पे क्लिक करता हूँ तो कार्टून यहाँ पे आपके सामने है। इस तरह से अपने आई फ्रेम के एरिए को यूज़ करते हुए आप इस तरह से अपनी वीडियोज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। इसी तरह से अगर चाहें तो कोई और फाइल, जैसे यहाँ पर कुछ लिंक लगाना चाहें, जिस तरह का स्लाइडर है या अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, तो वो भी लगा सकते हैं आप। तो किस तरह से लगाएंगे आप, पत्रकारी होगा कि आप यहाँ जाइए टॉप के ऊपर, चूंकि आपने आई फ्रेम से पहले की आपने ये हेडिंग लिखी थी, और आई फ्रेम से पहले जो है आपने एंकर जो लिंक है वो दे दीजिए आप, और यहाँ पर आपने फर्स्ट कर देना चाहते हैं एक फाइल है कोई भी, स्लाइडर दे दीजिए आप। स्लाइडर कहाँ पर है, स्लाइडर का जो फोल्डर है वो है HTML फाइल्स, और उसके अंदर है स्लाइडर, ठीक है, slider.html, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखने के बाद यहाँ पर आप देंगे टारगेट, और टारगेट में दे देंगे आप जनाब डिटेल एरिया, ठीक है। ये डिटेल एरिया याद रखिएगा, वो नेम है जो आपने आई फ्रेम पे जो नाम दिया था, ये वो नेम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के जरिए सारी फाइलें यानी उसी एरिया में फाइलें जो है ओपन होंगी। और यहाँ लिख दिया आपने जस्ट लाइक होम, फॉर एग्जाम्पल होम लिख दें, स्टार्टर लिख दें, मर्जी आपकी, ये तो पहला ऑप्शन हो गया। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन देना है आपने, सपोज करें अबाउट अस, तो यहाँ पे दे दीजिए कि HTML फाइल्स में जाइए, और यहाँ पे एक फाइल होगी अबाउट अस डॉट HTML, इसको लिख लीजिए आप, और टारगेट दे दीजिए आप, ठीक है, और इसके अंदर लिख दीजिए आप अबाउट अस, तो ये दो लाइनें लिख दी हैं आपने होम और अबाउट अस के, और इसमें जो फाइलें आपने जो यूज की है slider.html और एक अबाउट, स्लाइडर की फाइल तो मौजूद है आपके पास, अबाउट अस की फाइलें भी मौजूद नहीं है आपके पास, लेकिन अगर वो फाइल बना के आप यहाँ सेव कर देंगे तो वो फाइल भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको सेव कर लीजिए आप, देखते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। तो
रिफ्रेश कीजिए तो देखें, अब आपके पास देखें ये होम और अबाउट अस के दो लिंक्स आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर फर्स्ट करें आपने वीडियो टू या कार्टून पे आपने क्लिक करना है तो ये वीडियो आपके यहाँ चल रही होगी। ठीक है, अब दोबारा से आपने होम पे आना है तो होम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्लाइडर है वो चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अबाउट उसकी फाइल में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं आएगा, इसकी वजह है कि अबाउट उसकी फाइल मौजूद नहीं है। चलिए अबाउट उसकी फाइल भी बना लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए, समझने में आसानी हो जाए। तो अबाउट उसकी फाइल कहाँ बनेगी? एचटीएमएल फाइल्स के अंदर। तो इसमें आपने करना क्या है, एचटीएमएल फाइल्स के फोल्डर को सिलेक्ट करना है आपने और एक नई फाइल क्रिएट करनी है आपने अबाउट अस के नाम से। ठीक है, तो इस फाइल को आप क्लिक कर लीजिए आप, और अबाउट अस के अंदर उसी तरह से शिफ्ट के साथ एस्टिमेशन साइन पर क्लिक कीजिएगा। स्ट्रक्चर को लिखने के लिए क्लिक कीजिएगा पहले ऑप्शन को, स्ट्रक्चर बना हुआ आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने करना है क्या है, आपने यहाँ लिखिए आपने अबाउट अस, और कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ देना चाहते हैं अपने बारे में वो आप दे दीजिए फाइल के लिए। H1 अबाउट अस, और यहाँ कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं वो पैराग्राफ लिख लीजिए आप। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी आप सेंटेंस में जाए पैराग्राफ में चाहें ले सकते हैं आप। सेव कीजिए, ये फाइल अब सेव हो चुकी है कहाँ पर, अबाउट अस डॉट एच टी एम एल के अंदर। ठीक है, ये अलग सी फाइल है, ये सारी दोनों फाइलें कहाँ बनाई हैं आपने, एच टी एम एल फाइल्स के अंदर बनाई हैं आपने, इमेजेस के अंदर इमेजेस रखे हुए हैं आपने, वीडियोज़ के अंदर आपने वीडियोज़ रखी हुई हैं आपकी, और जो बाहर मेन फाइल है वो कौन सी फाइल है, वो इंडेक्स फाइल। इस तरह से आपका डाटा स्ट्रक्चर बनेगा किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, याद रखिएगा। तो अब आपके पास व्यू किस तरह से आएगा नोट कीजिएगा, इसको रिफ्रेश कीजिए, देखें आपके पास होम है, अबाउट अस है, वीडियोस नीचे बनी हुई आ रही हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, हम आई फ्रेम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि जो इंडेक्स फाइल है, जो मेन इंडेक्स फाइल है, इसका जो आई फ्रेम एरिया था, आई फ्रेम का एरिया जो उसके हमने हाइट रखी 400, इसको हम 200 कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जब इसको 200 रख रहे हैं, इसको हम इसका साइज छोटा कर रहे हैं, यानी कि जो बॉडी एरिया है आपका प्रोसेसर का, तो जो हमने इमेजेस के साइज रखे थे, हाइट रखी थी, उनको भी सेट करना होगा। तो वो इमेजेस हमने कहाँ रखे थे, वो स्लाइडर में रखे थे, तो स्लाइडर में जाइएगा, स्लाइडर में अपने अपने हाइट जो रखे 400, उसको भी आप 200 कर लें ताकि उसी हिसाब से उसी के अंदर अरेंज हो, ताकि देखने में आसानी हो, अच्छा भी लगे और खूबसूरत लगे। इसको सेव कर लीजिए आप, और अब आप देखिएगा कि अब आपके रिजल्ट किस तरह से आता है। इसको व्यू कीजिए ज़रा, रिफ्रेश करेंगे तो देखें ये आपका क्या है, ये आपका आई फ्रेम एरिया है, नीचे क्या आ रही है आपके पास, वीडियोज आ रही है बनी हुई। ठीक है, और यहाँ पर जब होम पे क्लिक कर अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस का पेज आपके सामने आना चाहिए। तो देखें अबाउट अस का पेज आपके सामने आ गया, वो भी उसी एरिया में उसी आई फ्रेम के अंदर खुल के सामने आया, ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये फायदा है आई फ्रेम का यूज़ करने का कि आप अपनी बॉडी एरिया के अंदर एक आई फ्रेम का एरिया यूज़ कर लीजिए। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम होता है, याद रखिएगा, जो सबसे जो एट्रीब्यूट है वो खास तौर पर जो एट्रीब्यूट आपने रखना है वो है आपका उसका नाम। कि जब भी आप आई फ्रेम रखेंगे तो उसका नाम क्या रखा आपने, डिटेल एरिया, याद रखिएगा डिटेल एरिया। ठीक है, ये इस ही एरिया के अंदर तमाम फाइलें जो होंगी वो ओपन होंगी, यानी कि आपके जो ब्राउजर है उस ब्राउजर के ऊपर जो बॉडी एरिया है उसके अंदर आपने एक एरिया डिसाइड कर लिया है, किस नाम से, किस टैग से, आई फ्रेम से, ये एक एलिमेंट आपने बना लिया है। जितनी भी फाइल्स आप खुलेंगे, जितने भी वीडियोस आप रन होंगे, वो सब उसी आई फ्रेम एरिया के अंदर ही ओपन होंगे। तो इस तरह से आपकी एक वेबसाइट जो है वो डेवलप होती हुई नज़र आपको आ रही है। क्लियर हो गई बात। अब इसी में चाहें तो आप फ्रेम बॉर्डर नो कर देंगे, तो जो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो एक फ्रेम बॉर्डर का जो आई फ्रेम का जो बॉर्डर बना हुआ आ रहा है, ये बॉर्डर भी बना हुआ नज़र आपको नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो उसको भी आप चाहें तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो वो है फ्रेम बॉर्डर का एट्रीब्यूट है, उसको यूज कर लीजिए आप। नो, उससे सेव कीजिए। अब आप देखें रन करेंगे तो आपको वो जो एरिया जो बना हुआ नज़र आ रहा था वो भी नज़र नहीं आएगा। रिफ्रेश कीजिए तो बिल्कुल आपको ये एक तरह से पूरा ये सैटे मूव करता नज़र आ रहा है। यहाँ वीडियोज़ हैं, अबाउट इस पर क्लिक करेंगे, अबाउट इसके हिसाब से ये पेज यहीं पर खुल के सामने आ गया। कार्टून की फाइल रन करेंगे, वीडियो रन करेंगे तो वो भी इसी एरिया में रन होती नजर आएगी आपको। इस तरह से आप अपने अपने पेज को सेट कर सकते हैं। ये आपका एक वेबसाइट भी बन गई एक तरह से, और इसमें
आपके ये काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से उसको सेट कर लीजिए, इंशाल्लाह आप इसमें तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक हम और कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि और बेहतर हो जाए। वो इस तरह से कर लेते हैं कि जो वीडियोस हमने दी थी 250, इसको 200 कर लेते हैं हाइट को, और 300 कर लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह से जो आपका आई फ्रेम एरिया है, उसका स्लाइडर का जो एरिया था, इसको भी जो आपका आई फ्रेम है इसके जो 200 लिखी थी हाइट, इसको 250 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो एरिया है वो थोड़ा लार्ज साइज में आपको हाइट नज़र आ जाए। इसी तरह से जब हमने स्लाइडर बनाया था उसको भी हम 250 कर लेते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट्स किस तरह से आपके सामने आता है। और रिफ्रेश कीजिए पेज को और चला के देखते हैं। तो देखें ये आपका जो है वीडियोस जो नीचे वीडियोस थी उनका साइज थोड़ा छोटा कर दिया था, ये आपका जो स्लाइडर है वो मूव कर रहा है। और इसी तरह से आप नए वीडियोस पे रन करेंगे यूट्यूब पे तो ये वीडियो यहाँ पर रन हो जाएगी आपके पास। ठीक है, इसी तरह से आप अगर आप होम पे जाते हैं दोबारा से स्लाइडर मूव होना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह से अगर आप अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो अबाउट अस की फाइल भी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जनाब, तो ये आज का कॉन्सेप्ट था। आज आपने देखिए कि आपने आई फ्रेम कैसे यूज़ करना है, वीडियोस कैसे इस्तेमाल करनी है, इमेजेस आपने देखे, स्लाइडर कैसे बनाते हैं, कई चीज़ें आपने समझनी है। इसमें बहुत सी चीज़ें पहले पढ़ चुके थे, दोबारा से हमने आज रिपीट किया इन कुछ चीज़ों को। तो वीडियोस किस तरह रन करनी है आपने, स्लाइडर कैसे मूव करना है, और आई फ्रेम को कैसे यूज़ करना है, और इसकी मदद से अपनी पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहें तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप एक काम कीजिएगा, ये मेरी वेबसाइट के अंदर ये तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पे इसके कोड दिए गए हैं, यहाँ से देखें इस तरह से कोड दिया गया है, स्लाइडर इस तरह से चल रहा है, यहाँ कुछ वीडियोज बनी हुई है, तो मैंने भी ऐसे ही काम किया है। तो इस तरह से इनको आप बना के देखिएगा कि एग्जाम्पल यहाँ दी गई हैं, तो इससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास चैप्टर 7 के अंदर इनपुट फॉर्म, फॉर्म बनाएंगे। याद रखिएगा कभी भी किसी भी वेबसाइट के अंदर हम जब साइन अप करते हैं तो वहाँ पर फॉर्म बनाने की जरूरत पड़ती है, तो किस तरह से बनाते हैं एचटीएमएल फाइल के अंदर एचटीएमएल की मदद से, तो उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।